अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना उर्दू चैनल एमएस खान पीके मीडिया। तो दोस्तों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में एक दफा फिर हाजिर खिदमत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो दोस्तों, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से वो लोग अपडेट रह सकें। तो चलते हैं आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन ही के सिलसिले में हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं लेगिट वे के ज़रिए, क्योंकि ये बड़ा अहम इशू है। इंटरनेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में भरमार है अर्निंग की अपॉर्चुनिटी के हवाले से, लेकिन उसमें लेगिट वेज बहुत कम है। लाखों लोग आपको ऑफर करेंगे शायद कि आप कमा सकते हैं यहाँ से वहाँ से इस तरीके से, लेकिन उस पर ऑप्शंस बहुत कम आपको मिलेंगी कि आप वाकई कानूनी तरीके से कमा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इससे लिंक है। इंटरनेट का मतलब यही है कि आप पूरी दुनिया के क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, वेब के साथ कनेक्ट हैं, तो आपको ट्रू एंड फॉल्स का डिसीजन लेना मुश्किल होता है। तो हम इसी तरह ये आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आप ये एक तरीका है, बेहतर तरीका है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कमा सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है आइडिया नंबर 6, जिसमें हम सेल वेबसाइट्स ऑन फ्लिपा, ये हमारा टॉपिक है कि आप फ्लिपा के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट्स को सेल कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज flippa.com? फ्लिपा इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग एंड बाइंग वेबसाइट्स, डोमेन, एप्स। flippa.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि 2009 में बनी थी और इसके हेडक्वार्टर्स यूएसए ऑस्ट्रेलिया में हैं, और इसके जो फाउंडर्स थे वो मैट मिकविक्स, मार्क हारबोटल, ये इसके जो फाउंडर्स में से हैं। तो ये 9 में बनी थी, इसका मतलब है कि 9 साल तो कम से कम हो चुके हैं आज तक। तो इस वेबसाइट का मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स, मतलब वेबसाइट जो आप बना सकते हो, डोमेन्स जो आप परचेज करते हैं या एप्स जो आप बनाते हैं, वो आप ऑनलाइन सेल कर सकें। डेफिनेटली ये एक मुश्किल अमर होता है कि अपनी आपकी वेबसाइट है, आपकी डोमेन है, आपके पास एप्स वगैरह हैं, अब वहाँ वो कैसे सेल कर सकें। तो फ्लिपा एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप लाखों यूजर्स, कस्टमर्स अवेल होते हैं, जस्ट आपने अपलोड करना है और आपका काम हो जाना है। ये किन लोगों के लिए सूटेबल है वो हम डिस्कस करते हैं। पीपल हु लाइक टू डिवेलप वेबसाइट्स, जो लोग डिवेलपर्स हैं, ये उन लोगों के लिए एडवांटेज है इसमें कि वो लोग इसको, यानी कि इस जो आइडिया को है वो क्लिक कर सकते हैं। पीपल हु लव टू ट्रेड ऑनलाइन, वो लोग भी कर सकते हैं जो ट्रेड करना जानते हैं, ट्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उन लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ पीपल हु लव टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो लोग कमाना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस आइडिया को अवेल करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है ये आइडिया, जो लोग कमाना चाहते हैं, जो अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, जो हाथ पे हाथ रख कर बैठ कर देखना नहीं चाहते कि अब मेरा किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, मुझे अर्निंग आएगी, अब ये होगा, वो होगा। आपने डेफिनेटली कुछ एफर्ट खुद करनी है, उसके बाद रिजल्ट्स अल्लाह पे छोड़ने हैं ताकि आपको रिजल्ट्स मिल भी सकें। तो स्किल रिक्वायर्ड इस आइडिया के लिए होगी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पार्टिकुलर डोमेन, जो भी आपने चीज़ बनानी है, जो भी आपने करना है, तो उसकी पार्टिकुलर डोमेन में आपके पास वो होना चाहिए कि आप उसको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक रेसिपी के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, या आप बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बनाते हैं, या आप ट्रैवलिंग के ऊपर बनाते हैं, या आप किसी तरह की जो वेबसाइट है जो आपको पसंद है उस पर बनाते हैं, लेकिन उसमें आपको स्किल्स, ये डेफिनेटली कि आपको उसका डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एबिलिटी टू रिसर्च न्यू थिंग्स, न्यू चीज़ों को रिसर्च करने की उसमें, यानी कि काबिलियत भी होनी चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस एंड वेबसाइट क्रिएशंस,
उसके पास जो स्किल है वो जरूरी है कि उसके पास वर्डप्रेस और वेबसाइट क्रिएशन की भी होनी चाहिए। अगर स्किल्स नहीं भी हैं तो एक तरीका मैं बताऊंगा जिसके जरिए वो भी यानी कि अवेल कर, जिनको ये पास ये नॉलेज नहीं है तो वो भी अवेल कर सकते हैं। टाइम टू स्टार्ट, जो इस आइडिया को स्टार्ट करने का टाइम है वो डिपेंड करता है अपने जो क्रिएटर की एक्सपर्टीज के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द क्रिएटर, कि क्रिएटर कितना काबिल बंदा है, वो किस कदर उसमें यानी कि टैलेंट है, वो अपनी चीजों कितने देर में डेवलप कर सकता है, ये आइडिया उस पर डेवलप करता है। इट मे बी टेक, इट मे बी मेक अ वेबसाइट इन वन डे, एक दिन में भी बना सकता है वेबसाइट्स को। ऑन फ्लिपा डॉट कॉम यू कैन स्टार्ट इन वन डे, फ्लिपा डॉट कॉम पे आप एक दिन में स्टार्ट ले सकते हैं, जस्ट आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। टिप्स जो इन लोगों के लिए होंगी तो वो ये है कि चूज अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट, आपने वो टॉपिक चूज करना है अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए जो आप, जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सके, इंटरेस्ट हो जिसका आपको, ताकि वो आप उस टॉपिक को लेकर आगे चल सके। लॉन्ग टर्म आपने प्लान करना है उस टॉपिक के हवाले से, थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल, क्योंकि अगर आप ऐसा टॉपिक चूज करेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना जो पैशन है वह लूज कर जाएंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा रह जाएगा। लिहाजा उसमें फोकस करें जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा हो। उसके बाद यू शुड रिसर्च मस्ट बिफोर लर्न योर वेबसाइट, आपने वेबसाइट को लॉन्च करने के से पहले उस पर रिसर्च लाजमी करनी है, पता करना है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है, कौन सी टॉपिक के ऊपर सेल्स कितनी है, किस हवाले से लोगों का फीडबैक इतना है, इस हवाले से इसमें लोगों का इंटरेस्ट इतना है, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। चूज रेलिवेंट डोमेन नेम टू योर टॉपिक, आपका जो टॉपिक होगा वो आपके जो डोमेन आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने वेब बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वेबसाइट बनाई है तो आपका जो डोमेन नेम है वो उससे रिलेटेड हो, और उससे हटकर होगा तो उसके जो रिजल्ट्स है वो खातर खा नहीं भी आ सकते। चूज रिलायबल पेड होस्ट लाइक होस्ट गेट और ब्लू होस्ट और एनी वन दैट माइट सूट योर नीड, आपने ऐसा जो होस्टिंग के लिए, अपनी वेब की होस्टिंग के लिए चूज करना है जो रिलायबल हो, पेड हो, ताकि उसकी वर्थ हो सके। अगर आप हल्के यानी कि उस पर रिलाई करेंगे तो मे बी उसके रिजल्ट उसके अच्छे ना आए, लिहाजा मिसाल के तौर पे होस्ट गेट और ब्लू होस्ट ये सस्ते भी हैं, मियारी भी हैं, और जो आपको पसंद हो उससे अलावा तो वो आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की होस्टिंग के लिए। मेक वेबसाइट डिजाइन एंड लेआउट वेरी प्रोफेशनल विच अपील अदर्स टू बी परचेज, ऐसा अपने अपनी वेबसाइट का जो लेआउट रखना है और डिजाइन रखना है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। अगर आपने हल्का लेआउट बनाया, हल्का जो डिजाइन है वो होगा, मिसाल के तौर पर बस बना दिया, उस पर क्वालिटी को मद्देनजर नहीं रखा तो उसके रिजल्ट्स में भी अच्छे ना हो। उसके बाद उसकी मोनेटाइजेशन का मरला शुरू होता है, ये तमाम चीजें होने के बाद मोनेटाइज कैसे करेंगे आप, मोनेटाइजेशन का सिलसिला कैसे होगा। रजिस्टर ऑन फ्लिपा डॉट कॉम एंड प्रेजेंट योर वेबसाइट ऑन फ्लिपा, स्टार्ट बिडिंग ऑन योर साइट एंड हायर बिडर विल परचेज योर साइट। फ्लिपा के ऊपर आप जब रजिस्टर हो जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट करेंगे उनके सामने, तो आपकी जो प्रोडक्ट के ऊपर बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो हाई बिड देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट करते हैं बिडिंग 1 डॉलर से या 5 डॉलर से या 10 डॉलर से, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपकी बिड वहां से स्टार्ट होकर जहां पे एंड होगी, जो हाईएस्ट बिड होगी वहां पे आपकी जो है ना डिस्कशन फाइनल होगी, वो आपकी उस बिड पे सेल होगी। सेट द बिड प्राइस 15 टाइम मोर देन योर करंट इनकम ऑफ साइट मीन, इफ योर साइट अर्न मंथली $500 देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 7500 डॉलर, मीन के आपने 15 टाइम बेटर रखनी है अपनी प्राइस को, जो आपकी मंथली इनकम है वेबसाइट की, जो आपकी वेबसाइट अर्निंग कर रही होगी तो आपने उससे अर्निंग 15 टाइम टॉप पे रखनी है, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स, उसके एक्सपेंसेस वगैरह जो मीट हो सकें वो आप बेहतर तरीके से उसको एंजॉय कर सकें। स्टार्ट द ऑक्शन एंड वेट फॉर बिड्स,
people who like to purchase your site and final bid with you and you have to final deal with them. यानी कि जैसे ही आप वो स्टार्ट करेंगे ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगी बिड स्टार्ट हो जाएगी लोग उस पर बिड लगाना शुरू कर देंगे और जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो फिर आप उससे यानी कि बार्गेन करके उसको फाइनल सूरत में जो है ना इस प्रोडक्ट को क्लोज करेंगे कि जनाब ये मैं आपको सेल कर रहा हूँ और आप इस प्राइस पे मैं एग्रीड हूँ आपको सेल कर दूंगा वो आप एग्रीड होगा आपसे परचेज कर लेगा और आपकी ये डील एक डील फाइनल हो जाएगी. flippa.com will manage all your payments and other technical stuff for you and you receive your commission via your selected payment method. Mean के आपने सिर्फ अपनी जो वेब को या आपके डोमेन को या अपनी ऐप को वहां पे प्रेजेंट करना है बाकी सब काम flippa की जिम्मेदारी है. उस पर बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद बिडिंग के बाद जो एग्रीमेंट होनी है उसकी जो कम्युनिकेशन होनी है जो उस पर चीजें तय होनी है फाइनल होने के बाद flippa रिस्पॉन्सिबल है हर तरह से सिक्योरिटी के हवाले से आपके पेमेंट के हवाले से आपके कमीशन के हवाले से वो आपको प्रोवाइड करेगी. बस आपने flippa पे जाके अपनी चीजों को फाइनल करना है. तो दोस्तों flippa.com ये वेबसाइट है हमारी आज की. आज मैं आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ उसके बारे में बता भी देता हूँ. flippa.com आप वेब पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं. ये देखें flippa.com ये वेबसाइट है अवेलेबल है यहाँ पे. वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम पूरी दुनिया में आप कुछ भी कहीं से भी यानी कि इस हवाले से कर सकते हैं जो आपका टॉपिक है तो आप स्टार्ट ले सकते हैं विद इन नो टाइम विद इन इमीडिएट इफेक्ट. तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता चलूं कि आपने ये सर्च इनका बार है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट अगर आपने परचेज करनी है या सेल करनी है उस हवाले से आपने इसकी SEO करनी है तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लिख के और यहाँ पे ऑल एसेट्स पे सर्च कर सकते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट पे सर्च करना चाहते हैं एप्स पे करना चाहते हैं अमेजोन FBA अदर बिजनेस डोमेन्स के ऊपर सर्च करना चाहते हैं तो ये आपको सर्च उसमें ले जाएगा. उसके बाद यहाँ पे देखें रिसीव अ फ्री नो ऑब्लिगेशन बिजनेस वैल्यूएशन केयर यानी आपकी एक वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उसको एवेल्युएट करें कि वो किस यानी कि उसमें वो खड़ी है तो आप इसको सिलेक्ट करें. उसके बाद यहाँ पे आपने चीज़ें को आप इंटर करें ईमेल दें वेबसाइट का URL दें उसके बाद इस्टेब्लिश डेट की आपने ये कब स्टार्ट किया था उसके बाद यहाँ पे एयर दें उसके बाद नीचे एवरेज मंथली रेवेन्यू कि वो कितना रेवेन्यू डॉलर में कमा रही है एवरेज मंथली एक्सपेंस उस पर कितने आते हैं और उसके बाद मोनेटाइजेशन मेथड क्या है कि वो किसके जरिए पैसे कमाता है मिसाल के तौर पे एड सेल्स हैं एड सेंस के ऊपर अर्निंग होती है वेबसाइट के ऊपर अमेजोन है क्लिक बैंक है ड्रॉपशिप है या फिर कोई और जो तरीका है उसके जरिए कमाते हैं तो ये सारे तरीके हैं आप उसको सिलेक्ट करें. उसके बाद बिजनेस एसेट क्या है आपका यानी कि वेबसाइट है iOS ऐप है एंड्रॉयड ऐप है अमेजोन FBA अकाउंट है ईबे अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है ट्विटर अकाउंट है यूट्यूब अकाउंट है अदर कुछ भी है आप उसको यहाँ पे एवेल्यूएट कर सकते हैं सेंड करेंगे तो ये आपको रिपोर्ट सेंड कर देंगे कि आपके बिजनेस की वर्थ इस वक्त ये है. तो इस तरीके से आप ये सादा तरीके से एवेल्यूएट भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को. उसके बाद यहाँ पे टॉप सेक्शन में एडिटर्स की चॉइस अवेलेबल है यानी कि जो टॉप लेवल पे उन्होंने कुछ सिलेक्ट की हुई है उस पर आप देख सकते हैं searchresult.com ये एक वेबसाइट है ये $520 की इसकी बिड्स पहुंच चुकी है और ये तीन दिन के बाद इसको आप अवेल कर सकते हैं. वहां पे जाएंगे तो इस वेबसाइट को देख सकते हैं लेकिन आपको साइन अप होना पड़ेगा इसके लिए. उसके बाद ये एक iOS प्रैंक ऐप है इसकी $9,000 तक पहुँच चुकी है और ये इनकी इस्केप जोन के नाम से एक ऐप है iOS तो इसके 1050 इसके डॉलर रेट हैं. तो ये आपको बहुत से इसमें आप सारी यानी कि स्टडी कर सकते हैं पता लग सकता है आपको कि कौन क्या कर रहा है उसके बारे में आप SEO भी कर सकते हैं. उसके बाद फीचर वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल होंगी इसमें आप देख लें ये बिडिंग स्टार्ट हो रही है जहाँ पर ये चीज़ें ये फाइनल यानी कि उसमें बिड पे पहुँच चुकी हैं चीज़ें ये बिड्स इनके ऊपर लगी हुई हैं स्टार्ट हो रही हैं. तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फीचर वेबसाइट में. फीचर डोमेन्स जो परचेज करना चाहते हैं डोमेन्स परचेज सेल का एक बिजनेस है वो करना चाहते हैं फीचर ऐप्स हैं यहाँ पे iOS और एंड्रॉयड ऐप्स दोनों ऑप्शंस हैं. ये 601 का मतलब है कि ये जो फाइनल होने वाली है इस बिड्स पे पहुँच चुके हैं और ये यहाँ पे तो इस तरीके से ये देखें बिड दिस वीक
5927 बिड्स लगी हैं और ओपन लिस्टिंग्स 20,84,915 लिस्टिंग में अवेलेबल हैं। इतनी ह्यूज अमाउंट है। उसके बाद ओवरऑल सेल्स जो हुई है वो अंदाजा लगा ले, मेरे ख्याल में पढ़ना पड़ेगा, 21,31,44,940 डॉलर का बिजनेस इन लोगों ने कर लिया है। सेल्स दिस वीक $3,00,000 का सेल ये बिजनेस इस दफा इन्होंने किया है। तो ये इनकी बाई एंड सेल ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से ये अवेलेबल है। प्राइसिंग, सेलिंग ऑन फ्लिपर, प्राइसिंग और रिसोर्सेज के हवाले से अगर आपने इस पे कोई डिस्कशन करनी, इसको मजीद सीखना है इस वेबसाइट के हवाले से, तो ये ओपन करते हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि आप इसको सीख सकते हैं इस सेक्शन में जाके फ्लिपा। ये देखें, रिसोर्सेज में आप बाइंग करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को, तो ये इस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके के जरिए बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, उसके जरिए अर्निंग कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि आपका तरीकाकार, मुकम्मल गाइड आपको यहाँ से मिलेगी। और ब्रोकर प्रोग्राम है आपके पास, यानी कि ब्रोकर के हवाले से आप सीखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाके सीख सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है, जिन लोगों ने कामयाब बिडिंग की है उन लोगों की स्टोरीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे गाइड्स में आप मुकम्मल मजीद इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती हैं। तो ये flippa.com, flippa resources यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको गाइड कर यानी कि सीख सकते हैं और इसको, ये एक आइडिया है, इसके जरिए आप अर्न कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट नहीं आती या कोई और तरीका नहीं आता, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है ट्रेडिंग के हवाले से। मिसाल के तौर पे वो आप यानी देखते हैं कि हमारी, मैं एक टॉपिक पे काम करूं, तो उसका तरीका ये है कि वो किसी से वेबसाइट बनवा ले, खुद ना बने, नहीं बना सकता तो किसी से वेबसाइट बनवा ले। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में डेवलपर्स मिल जाएंगे उनको, वो चाहता है कि जनाब मैं इस किस्म के टॉपिक पर वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ, तो वो उसको वेबसाइट बना देंगे। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इस किस्म की वेबसाइट होगी, उस हिसाब से पैसे पे कर सकते हैं। तो वो बनवा के और यहाँ पे वो यानी कि सेल कर दे, तो वो उसको अर्निंग हो सकती है उस वेबसाइट के हवाले से। या वो डोमेन परचेज कर ले godaddy.com से, जो देखता हो ट्रेंडिंग में है, वो उसको यानी कि सेल अच्छे तरीके से कर सकता है, वहां से परचेज करके यहाँ पे सेल कर सकता है। या फिर वो यानी कि किसी छोटी वेबसाइट्स पे जाके, मिसाल के तौर पे अपवर्क पे जाके वो यानी कि अपने क्लाइंट है पूरी दुनिया से हायर कर सकता है कि मुझे वेबसाइट ये बना दें, $5 में, $10 में, $15 में, $20 में बन सकती हैं वेबसाइट्स, तो उसके जरिए बनवा के उनसे और यहाँ आके वो लॉन्च कर सकता है, सेल कर सकता है। तो वो लोग भी कामयाब हो सकते हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से आएंगे, तो वो यानी कि अर्निंग कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आज की वीडियो थी ये, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली जो हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स, वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट करें। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, कोई हमारे लिए सजेशंस हैं जो समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमें पता होना चाहिए, या आप कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं इस वीडियो के हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से, तो लाजमी दीजिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि हमारे, हमें यानी कि जो हमारे वीडियोज़ जैसे ही लॉन्च हों, जैसे ही पोस्ट हों, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो फौरन आपको यानी कि इंटीमेट हो, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, एक नए विजन के साथ, एक नई उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद शाहिद खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।